और देश में जो कोरोना है वो अपनी मर्जी से आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना जो है वो सरकार की परमिशन लेकर आता है। और आज आप देख लीजिए, कल ही मैंने आपको बोला था कि जहाँ ये को गुड्डू को अमन को अमीश को अर्नब को इनको छू किया गया ये वहीं चालू हो जाएंगे। अब दिखा रहे हैं, आज देख लीजिए आप खोलकर टीवी चैनल कि ये कोरोना की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वो कोरोना, ये कोरोना, इधर कोरोना, उधर कोरोना, इधर से कोरोना, इधर से। चाहे वो मुंबई एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, आप इन एयरपोर्ट पर जाकर देखिए भारी तादाद में विदेश से जो है वो लोग आ रहे हैं। तो दिक्कत किससे है? दिक्कत है भारत जोड़ो यात्रा से। कई बड़ी बात ये मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपके जो भी आदेश हैं हम उनको फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे। मैंने घर में दिए जो हैं वो पानी में भिगो के रख दिए हैं, दो थाली दोबारा से आपके नाम की ही सही बता दीजिएगा। दिवाली कब मनानी है तब मैं दिए भी जला दूंगा, थाली भी पीट दूंगा। और अभी तो आप देखिएगा कल से संबित पात्रा फिर पहुंच जाएंगे वहां पर डिबेट में। एक और यात्रा और दूसरी और संबित पात्रा, यात्रा तो समल जाएगी लेकिन ये संबित पात्रा नहीं समलता है। ये बैठ जाएगा डिबेट में, नहीं 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 अंजना जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो राहुल गांधी है ना, ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है, ये सबके सर्टिफिकेट देने शुरू कर देता है बैठ। मुझे क्या लग रहा है, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री मार चुकी है और देखा जाए तो कोरोना जो वैश्विक महामारी है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और देश में जो कोरोना है वो अपनी मर्जी से आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना जो है वो सरकार की परमिशन लेकर आता है। अभी आप ये देखिए, जिस टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार चल रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे थे कि वो जो वहां पर जब चुनाव चल रहे थे वहां पर ग्राम पंचायत के, तब कोई कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। बंगाल के अंदर मोदी जी रैली कर रहे हैं, खूब रैली कर रहे थे, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, कोई कोरोना की गाइडलाइन नहीं। और आज आप देख लीजिए, कल ही मैंने आपको बोला था कि जहां ये को गुड्डू को अमन को अमीश को अर्नब को इनको छू किया गया ये वहीं चालू हो जाएंगे। अब दिखा रहे हैं, आज देख लीजिए आप खोलकर टीवी चैनल कि ये कोरोना की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वो कोरोना, ये कोरोना, इधर कोरोना, उधर कोरोना, इधर से कोरोना आ गया। तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जब हाई लेवल मीटिंग चलनी थी तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी वहां बंगाल में रैली कर रहे थे, अब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये सुनिए, टर्मिनल 3 पर आप जाकर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि देश के अंदर वैश्विक महामारी फैलती कैसे है, देश के लोग परेशान है कि वैश्विक महामारी कैसे आ जाती है भारत देश के अंदर, जबकि ये बीमारी चाइना की है तो हिंदुस्तान के अंदर कैसे आती है। आज मैं आपको इसको सिरे वाइज बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। आज आप जाकर देखिए, पिछले 2 दिन से आप टर्मिनल 3 पे एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, चाहे वो मुंबई एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, आप इन एयरपोर्ट पर जाकर देखिए भारी तादाद में विदेश से जो है वो लोग आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो उनसे कारण पूछा गया कि आप लोग क्यों आ रहे हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि हमने देख रहे हैं कि भारत देश में जो महामारी आ रही है उसके चलते अगर यहाँ पर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो हमारा परिवार यहाँ पर है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो ट्रेनें हैं उनमें खचाखच भीड़ है, लोकल ट्रेन है उनमें खचाखच भीड़ है, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई, एयरपोर्ट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई हुई, कोई आरटीपीसीआर नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कुछ नहीं, आप ये देख लीजिए। लेकिन बीमारी है ना, कभी भी आ सकती है, तो उसमें उसका... लेकिन एक चीज कह दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा उसको पहले बंद करवा। अभी बीमारी है ना, वो कभी भी आ सकती है, उससे इस चीज का क्या लेना देना है? नहीं नहीं, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि बीमारी है वो कभी भी आ सकती है, बिल्कुल आपकी उस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज अगर महामारी है तो प्रधानमंत्री जी आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले कोरोना जो है वो दिन में तो गायब हो जाता है लेकिन ये रात के वक्त में आ जाता है, शाम के वक्त में आ जाता है। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से सदन के अंदर मास्क लगा रखा था, जिस टाइम पे मास्क लगाना था उस टाइम पे मास्क लगाया नहीं, आज मास्क लगा रखा है, आज हाई लेवल मीटिंग हो रही है, ये देखिए ना, जिस टाइम पर सब कुछ था उस टाइम पर पीएम के चेहरे पर मास्क नहीं था लेकिन आज मास्क लगा रखा है। हमारे जेपी आदरणीय जेपी नड्डा जी भी थे वहां, बंगाल के अंदर अमित शाह जी भी थे, मोदी जी भी थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। लेकिन महामारी है, परेशानी है, बीमारी है, तो उससे बचाव तो देखा जाएगा ना। मैं बताता हूँ दिक्कत किससे है, दिक्कत है भारत जोड़ो यात्रा से। कई अच्छा। भैया ये भारत जोड़ो यात्रा 2024 दिक्कत भारत जोड़ो यात्रा से, जो भीड़ है जिससे बीमारी फैलती है उसका डर है ना। नहीं नहीं, तो भीड़ एक बात बताइए, भीड़ एयरपोर्ट पे नहीं फैलती है, है? भीड़ एयरपोर्ट पे नहीं फैलती है, जब केंद्रीय मंत्री के बेटे की शादी होती है वहां पर मोदी जी पहुंचते हैं वहां पर भीड़ नहीं होती है, जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली होती है, अभी हाल ही में बड़ी जनसभा जो मैंने आपको कल दिखाई भी थी, ठीक है ना, तो तब नहीं होती है कोरोना की गाइडलाइन का पालन, तब नहीं होती है महामारी। मतलब बीजेपी वाले करें तो कोई कोरोना नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरा कर ले तो कोरोना हो जाता है, मतलब बीजेपी वालों से डरता है कोरोना। दूसरी बात ये मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी
आपके जो भी आदेश हैं हम उनको फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे। मैंने घर में दिए जो हैं वो पानी में भिगो के रख दिए हैं, दो थाली दोबारा से आपके नाम की सही बता दीजिएगा। दिवाली कब मनानी है तब मैं दिए भी जला दूंगा, थाली भी पीट दूंगा। और अगर आप कहें कि थाली पीटने से कोरोना खत्म होता है तो कल सुबह ही एयरपोर्ट पर जाकर मैं तसले पीट दूं वहां पर, ताकि देश में कोरोना ना फैले और लॉकडाउन ना लगे। प्रधानमंत्री जी की बात का मजाक उड़ा रहे हैं लगता है, ऐसा लगता है। नहीं, महामारी जी बचाव का साधन ढूंढ रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री ने अपनी बात का खुद मजाक उड़वाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, आप मुझे बताइए, आप भारत देश के अंदर रहते हैं, आप 22वीं सदी के भारत में रहते हैं, आप उस भारत में रहते हैं जहां पर आज लोग मंगल पे घर बसाने की सोच रहे हैं, उस मंगल पे घर बसाने वाले भारत की सोच वाले भारत में आप लोगों से कहते हो हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय आप उनको कहते हो दिया जलाओ, थाली बजाओ। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर थाली बजाने से कोरोना चला जाता है तो मैं तसला पीट दूं? ये बताइए ना, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जब अस्पतालों की सुविधा करनी चाहिए थी, जब आपको ऑक्सीजनों की सुविधा करनी चाहिए थी, तब आप रैलियां कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे, आज आप पहले से अलर्ट क्यों नहीं होते हैं? आप बंद कर दीजिए फ्लाइट्स बंद करिए ना, आप फ्लाइट बंद करिए, आपको फ्लाइट के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो लोग विदेश से आ रहे हैं आप चले जाइए टर्मिनल 3 पर, कितनी भीड़ लग रही है आप देख लीजिए NDTV का इंटरव्यू उठाकर, वो लोग वहां पर कवर भी कर रहे हैं, देखिए ना आप जाकर कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो होता क्या है, जब एक मैसेज क्रिएट होता है कि महामारी फैल रही है तो लोग आने शुरू हो जाते हैं। और अभी तो आप देखिएगा कल से संबित पात्रा फिर पहुंच जाएंगे वहां पर डिबेट में, एक और यात्रा और दूसरी और संबित पात्रा, यात्रा तो समझ जाएगी लेकिन ये संबित पात्रा नहीं समझता है, ये बैठ जाएगा डिबेट में, नहीं 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 अंजना जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो राहुल गांधी है ना ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है, ये सबके सर्टिफिकेट देने शुरू कर देता है बैठकर। भैया आप एक बात बताइए, आपका काम है, डॉक्टर हैं आप, ठीक है, एक व्यक्ति का इलाज बताइए आपने कोरोना की महामारी में कराओ, बताइए ना आप मुझे, आप डॉक्टर हैं, आप 24 घंटे तो टीवी चैनलों पर नजर आते हैं, हर एक मुद्दे पर आप अपनी राय नजर रखते आते हैं, आपने कहां से पढ़ाई करी है? दूसरी बात ये, आप डॉक्टर हैं, जब आपको, सुन लीजिए, जब आप डॉक्टर हैं आपको लोगों का इलाज करना चाहिए, तब तो आप टीवी पे बैठ के अंजना जी नहीं 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 अंजना जी नहीं नहीं अमीश जी मुझे बोलने दीजिए, अमीश जी मुझे बोलने दीजिए, नहीं नहीं आप मेरी बात को सुनिए, तब तो आप ये करते रहते हैं। बहस करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, आप समाधान ढूंढिए जिससे देश के अंदर आज जो महामारी। अब दूसरी बात ये देखिए, सदन में मोदी जी आ गए मास्क लेकर, मैं आपको बताऊं मास्क तो मैं कंटिन्यू अपने पास लगाता हूं हमेशा 24 घंटे, क्योंकि मास्क से फायदा भी है, हमें पॉल्यूशन से भी इससे बच के रहते हैं हम लोग, मास्क से हमें जो है तमाम जो बीमारियां हैं उनसे भी बच के रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस टाइम पर पूरे देश में महामारी थी तब तो आपने मास्क लगाया नहीं, कल आप आ गए सदन के अंदर परसों, और आज आप देख लीजिए सुबह टीवी खोलकर मोदी जी की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, हाई लेवल। उस टाइम पर तो मोदी जी जो है वो चुनावी रैली कर रहे थे, तो आज कहीं रैली नहीं है कहीं चुनाव नहीं है, तो भैया हाई लेवल की मीटिंग ही कर लो, वही सही कुछ तो कर लो कम से कम, तो आज कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बचाव के कारण ही तो स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर देना चाहिए, उससे आपको परेशानी क्या है? एक बात मुझे बताइए, देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए तो एक बात आप मुझे बताइए ना, तो और भी जो तमाम चीजें हैं, जो बाजार हैं जिन बाजारों में भीड़ रहती है, जो एयरपोर्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया एयरपोर्ट बताया, मैंने आपको बताया कि लोकल ट्रेनें उनमें कैसी खचाखच भीड़ रहती है, गाइडलाइन लाओ उनके लिए भी। अरे भैया ये तो सिर्फ एक बहाना है, आखिर भारत जोड़ो यात्रा को भी तो रोकना है, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। आप देख नहीं रहे धीरे धीरे कैसे इनका बुरा हाल होता जा रहा है, हर जगह जनता समझ रही है। एक और ऐसे ऐसे जो इनको पकड़ कर लेकर आए थे, एक वो बाबा आया था, वो बेचारा आकर बोल रहा है कि मेरे आदमी शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। अबे भैया शाहरुख खान कोई झुग्गी झोंपड़ में रहता है कि ढूंढ रहे हो, या कहीं पहाड़ी में जाके छिप गया? शाहरुख खान वहां रहता है मुंबई में, मन्नत क्या है उसका बंगला है, वहां जाके ढूंढ ले उसे, पकड़ ले। शाहरुख खान कोई ऐसा तो है नहीं कहीं पहाड़ियों में छुपा हुआ है, तू चला जा, बल्कि वहां तेरे को घुसने नहीं दिया जाएगा, ऊपर से उठाकर बंद कर दिया जाएगा। तो मोदी जी को समझ में आया कि भैया भारत जोड़ो यात्रा से पठान मूवी की हमने ध्यान भटकाने की कोशिश करी, बायकॉट गैंग को उत्पन्न किया, लेकिन बायकॉट गैंग हमारी फेल हो गई। अब फेल हो गई तो अब एक ही है जो हमारे को बचा सकता है, तो भैया मैं फटाफट अब पहले मास्क लगाऊं और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाऊं, ना तो मैं एयरपोर्ट पे गाइडलाइन जारी करूंगा, ना मैं लोकल ट्रेन पे गाइडलाइन जारी करूंगा, लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा रुकवा दूंगा, ना अपने नेताओं के ऊपर गाइडलाइन जारी करूंगा। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर तक का मिशन है जाएगी वहां तक? क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल जानी चाहिए। मैं तो आपको विद इन प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं आपको, ताकि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से यकीन हो जाए। ये देखिए आप जो भारत जोड़ो आप यात्रा की बात करें ना, ये आपको बताता हूँ, राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो लेटर लिखते हैं,
राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री लेटर लिखते हैं देश हित के लिए लिखा है ना वो। सुन लीजिए, पहले सुनने का काम करिए या फिर चिल्लाते रहिए, ठीक है ना। ये चिल्लाने का काम मत करिए, मैं कोई बहरा नहीं हूँ, सुनिए आराम से खड़े होकर, ठीक है। और ज्यादा आपको जलन हो रही है, ज्यादा मिर्ची और तकलीफ हो रही है, मोदी जी के बारे में नहीं सुन सकते हैं तो आप अपना माइक लेके आप फट सकते हैं, आपको अनुमति है, ठीक है। लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं उनको सुनने दीजिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा की लोग बात करें, जब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी तो उसके बाद उसके अगले दिन की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं आपको अगले दिन की तस्वीर दिखा देता हूँ सबसे पहले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सभा कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये राजस्थान के अंदर से सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। अब ये देखिए बीजेपी के नेता, इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर ऑफिशियली चेक करिएगा, इनका नाम है सतीश पुनिया, ठीक है ना। और ये लिख रहे हैं कि मैं 3 दिन से वांगड़ क्षेत्र में हूँ, जिस तरीके से लोगों में कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश दिख रहा है, ये सब तो खैर चुनावी है। आज बांसवाड़ा में, कल कुशलगढ़ में और उसके बाद में और तमाम जगह पर जो है वो जन आक्रोश यात्रा महासभा को संबोधित करूंगा। ये देखिए, और भीड़ आप देख सकते हैं, टोपियों से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये है इनका ऑफिशियली हैंडल सतीश पुनिया, जाकर चेक करिएगा। तब लोगों को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं हुई, ये बताइए ना आप मुझे। एक और तो आप गाइडलाइन का फॉलो करने की बात कर रहे हो, गाइडलाइन आप फॉलो करते हो। दूसरी ओर अगर वहाँ बचाव का साधन बताया जा रहा है, स्थगित करने के लिए यात्रा बोला जा रहा है, तो आप विरोध करने लग जाते हो। तो भैया नहीं, भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो गई, चलिए मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो गई तो उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ हद तक बीमारी पे तो वो होगा ना कंट्रोल। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आपको दिखाया, आप आंख से अंधे हैं या कान से बहरे हैं? ये जो सतीश पुनिया जो है, जो इतनी बड़ी राजस्थान में सभा कर रहा है, ये आपको दिखी नहीं या आप आंख से अंधे हैं? ये देखिए, ये दिख नहीं रही आपको भीड़? नहीं नजर आ रही आपको ये भीड़? आपको नजर आ रही नहीं आ रही है? वो तो एक ही स्टेट में कर रहे हैं, ये देश में बाहर जोड़ो यात्रा कई स्टेटों से होकर आई है, इसलिए अच्छा। इस चीज को रोकने अच्छा। के लिए बोल रहे हैं कि बीमारी जो है बहुत दूर से भी आ सकती है, ज्यादा तो ज्यादा मात्रा में भी आ सकती है। G20 से होके आए हैं मोदी जी, तो G20 से होके आए हैं तो सदन में क्यों जा रहे हैं? औरों को कोरोना करेंगे क्या? ये बताइए ना आप मुझे, ये बताइए आप मुझे। तो ये सब जो है, ये सब बहाना है, बाकी यात्रा पे अंकुश लगाना है, बाकी देश के लोग समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।